सारा एंट्री होती है टिकट चेकिंग। हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। और अभी मैं हूँ नेपाल में। जो इससे पहले वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा उसमें हम लोग नेपाल में, आज न्यू ईयर है तो न्यू ईयर नाइट पार्टी हम लोगों ने किया। अभी यहाँ का नेपाल का आज का एक गते बोल सकते हैं, तो हम लोगों ने जैसे तारीख बोलते हैं यहाँ पे गते बोलते हैं। तो आज यहाँ नेपाल का एक फर्स्ट तारीख में फर्स्ट गते, जिसको ये वैशाख का महीना है। और अभी हम लोग निकल चुके हैं डुमरी के लिए, और अभी हम रावा से डुमरी के लिए निकल चुके हैं। तो बने रहिए अभी गाइस। पड़ेगा भैरावा से नियर अबाउट 28 किलोमीटर के आसपास, और ये कुछ उसका हाईवे है, बहुत ही अच्छा हाईवे अभी तक तो है। बाकी आगे देखते हैं आगे कैसा है, तो बने रहिए वीडियो में। और आगे यहाँ पर भैरावा का एयरपोर्ट भी है, आगे अभी आप लोग दिखाएंगे। अगर आप भैरावा से फ्लाइट लेके पोखरा काठमांडू जाना चाहते हैं तो बहुत ही रिजनेबल रेट पर आराम से जा सकते हैं। भैरावा का एयरपोर्ट जो देख सकते हैं कुछ इस तरह है, ये पहले डोमेस्टिक था और अभी इंटरनेशनल हो गया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं ये रुमनी वाले रास्ते में ही पड़ता है। देखिए ये रहा अपना भैरावा का एयरपोर्ट। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी, पहले ओल्ड वाला शायद इधर था सामने, उस तरह है सब। देखिए अभी हम लुम्बिनी पहुंच गए हैं, और ये देखिए इधर अभी चल रहे हैं हम लोग। गाड़ी की पर्ची कटवाएंगे, फिर उसके बाद हर मंदिर पे गाड़ी वहाँ जाना अलाउड हो जाएगा। अगर पर्ची आप नहीं कटाते हैं तो आप वहाँ नहीं जा सकते हैं, फिर आपको पैदल जाना पड़ेगा। फिर आपको पर्ची कटेगी गाड़ी वाली। और आदमी हो गए कितने? तीन। तीन आदमी 500 रुपए होगा टोटल। टोटल 500 नेपाली करेंसी लेनी है। हाँ हाँ लेंगे। तो गाइस नेपाल में भी हम लोगों को पंजाबी ढाबा मिल गया है एक घंटे मशक्कत के बाद। क्या कह रहा है? एक घंटे मशक्कत करने के बाद नेपाली ढाबा मिल जाएगा। ये नेपाल का बोटका है, 8848, इसे बोटका बोलते हैं। और इसको क्या बनाया है सब पता नहीं है। लाइटर। अच्छा लाइटर बना दिए सर से, वो लाइटर छिपा रखा टेप से लगा दिया गैस को, गैस के अंदर सिगरेट जलाने के लिए है। चलिए फ्रेंड्स अब आप लोगों को ले चलते हैं माया देवी टेम्पल, तो जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ। आपको अपनी पर्ची दिखानी है। आप देखेंगे और एंट्री हो जाएगी आपकी। ये पर्ची है, रोड पर बन रहा है, इधर से अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ गाड़ी पार्क करके नौका विहार नहीं है, नहीं खुला है वाई फाई ऑलमोस्ट फिनिश। ये देखिए यहाँ पे अगर आपको बोटिंग करनी है इस साइड, तो बोटिंग कर सकते हैं वहाँ से। और ये कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे एक दीप है, और देखिए जो दीप शांति का प्रतीक मानते हैं इसको, और इधर हमेशा चालू रहती है, मतलब ये जलती रहती है 24 घंटे। पता नहीं कितने सालों से ऐसे ही चल रही है, यही वो दीप है। कितना अच्छा दिखते हैं ये 24 घंटे ये ऐसे ही चलती रहती है। और आइए आप लोग दिखाते हैं, ये इधर है, इधर आप मंदिर की तरफ जा सकते हैं। और आइए इधर देखते हैं, अगर आपको बोटिंग वगैरह करने का शौक़ है
नहीं चालू है ना हॉटस्पॉट तो। अरे चालू है बोलेंगे तब ना। यहाँ पर आराम से आप जब आपको बोटिंग वोटिंग वगैरह करनी है तो बोटिंग आके यहाँ पे आके आराम से बोटिंग आप कर सकते हैं। ये देखिए बोटिंग करने के लिए बोट्स खड़ी हैं, काफ़ी अच्छा बन है यहाँ पे। ये लोग साइकिलिंग कर रहे हैं और यहाँ पे आज और दिनों की अपेक्षा रश बहुत ज़्यादा है क्योंकि आई थिंक यहाँ पे नेपाल का न्यू ईयर है तो सो दैट रस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे आज। बहुत ही अच्छा माहौल है। पीछे देख सकते हैं आराम से आप हमारे पूरा अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ पे लुम्बिनी का वो लगा है, देखिए लुम्बिनी इधर भी रस काफी बहुत ज्यादा है। आइए दूसरे निकालते हैं फिर आपसे मिलते हैं मंदिर के अंदर। कैमरा लाउड है तो फ्रेंड्स अभी हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, देखिए माया देवी मंदिर जाने बाटो। बुद्ध जी का मंदिर है, उनके माता जी का नाम था आई थिंक, उनकी माता जी का नाम था। आज भीड़ नहीं है अंदर, देखने को अच्छे से मिल जाएगा। पार्क वगैरह अच्छे से बनाए हैं यहाँ पे। हाँ ये वाला मंदिर है, मेन मंदिर यही है। तो बने रहिए वीडियो के साथ आप लोग। अंदर मंदिर में तो वीडियोग्राफी अलाउड नहीं था इस वजह से मैंने किया, और ये बाहर निकल एग्जिट गेट से बाहर निकल करके अभी हम लोग यहाँ पे हैं। ये जो पीछे मेरे पीपल दिखाई देगा और ये जो कोण दिखाई दे रहा है इसका महत्व ये है कि जब माया जी गौतम बुद्ध की माता जब यहाँ उनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का, तो उनकी माता इसमें स्नान की थी और इस पीपल के नीचे वो सब आराम किए थे, तो इस वजह से उस पीपल का महत्व बहुत ज़्यादा है। चलते हैं बाहर की तरफ, आपको दिखाते हैं। ये स्तूप है, ये ज्योति है, ज्योत। अभी भी नेपाल में यहाँ पे बहुत सारे, इंडिया में तो टिकटॉक बैन हो गया लेकिन यहाँ पे इंडिया में है, नेपाल में है। सो क्या क्या बैन हो गया? टिकटॉक, कच्चा बादाम चल गया तो कच्चा बादाम। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग मंदिर से बाहर निकलना है, देखिए जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते से निकल भी रहे हैं। चलिए मिलते हैं दूसरे मंदिर की तरफ। यहाँ पर कुछ इस तरह एंट्री होती है टिकट चेकिंग ऐसे किसे। चलिए अपना शू पहनते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट मंदिर में। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन गौतम बुद्ध जी का जन्म नेपाल के लुम्बिनी स्थान पर हुआ था और उनका जन्म 563 सी बटे 463 BCE में हुआ था। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना साल पहले। और उनकी माता जी का नाम था माया देवी, जो कि अभी हम लोग उस मंदिर पे गए थे, आप लोगों ने देखा। उसके मंदिर के अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, इस वजह से वहाँ का वीडियो नहीं बन पाया।